सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, दैट इज़ जो परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो विंडो खुलती है स्ट्रेटजी टेस्टर में, उसको हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उसमें, कैसे जानते हैं कि स्ट्रेटजी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, और क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए. सो वन बाय वन समझेंगे. तो मैंने आपके सामने जो है MACD क्रॉसओवर स्ट्रेटजी उसका बैक टेस्टिंग जो है खोल रखा है, और हमारे जो है निफ्टी में इसके रिटर्न्स आ रहे हैं 293% के. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ओवरव्यू में क्या क्या दिखता है. तो दिस इज़ आवर इक्विटी कर्व. इक्विटी इज एक्चुअली द कैपिटल जो आपने लगाया था शुरू में 1.5 लाख का, वहाँ स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स आती हैं आपका जो है इक्विटी कर्व चेंज होता है. सो इस तरफ आपका जो है नेट कैपिटल जो है जो भी गेंस या लॉसेस होंगे उस हिसाब से चलेगा. तो ग्रीन मीन्स ऑब्वियसली पॉजिटिव चल रहा है, रेड मीन्स वो नेगेटिव जा रहा है, वो आपके एक्चुअल कैपिटल से वो नीचे जा रहा है. और इस तरफ जो है हमारा जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, और वो हमारा जो है एक्चुअली ड्रॉडाउन दिखा रहा है इस तरफ. यस, तो इस तरफ जो है हमारा जो है ड्रॉडाउन कर्व्स दिखा रहा है कि कितना ड्रॉडाउन हो रहा है. तो ड्रॉडाउन हमारा ये लाइट पर्पल में दिख रहा है हमारा ड्रॉडाउन कर्व, और इक्विटी कर्व हमारा ग्रीन में दिख रहा है. सो आप इन दोनों में से एक कर्व देखना चाहे तो देख सकते हैं. आपका इक्विटी कर्व हटा दिया तो दिस इज योर ड्रॉडाउन कर्व. तो ड्रॉडाउन जो है वो इस तरफ दिख रहा है कितना लॉस हो रहा है. तो मैक्सिमम लॉस यहाँ तक गया है, दैट इज़ 1.6 लाख तक गया है. और जो है इक्विटी की बात करें तो इक्विटी जो है वो सिर्फ देखना हो तो सिर्फ इक्विटी सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से. सो यहाँ पर अब सिर्फ आपको इक्विटी दिखेगा, और एक साथ देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. सो बेसिकली जो है हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है. नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, दैट इज़ ओवरऑल जो है स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैक टेस्ट, वो बैक टेस्ट में ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है वो इन अमाउंट और एंड इन परसेंटेज. तो परसेंटेज गेन दिखेगा आपको, और वो अमाउंट में भी गेन दिखेगा आपको. देन टोटल क्लोज ट्रेड्स, मतलब कितने ट्रेड्स पे हमारा बैक टेस्ट हुआ है वो दिखता है. परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एक्यूरेसी क्या है, 39.45% की एक्यूरेसी इसकी. दैट मीन्स ये 100 में से 39.45 टाइम्स जो है वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट देगा आपको, और बाकी टाइम्स जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा 60% ऑफ टाइम. तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट फैक्टर. प्रॉफिट फैक्टर इसके आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. दैट मीन्स सिंपली अगर आप 1 रुपये गवा रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो आप 1.154 प्रॉफिट कर रहे हो. सो दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको. सो नेक्स्ट कम्स ड्रॉडाउन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ये ड्रॉडाउन को समझना हो तो बेसिकली जो है दैट इज पीक लेवल से इक्विटी कर्व के पीक लेवल से उसके बॉटम लेवल तक, जहाँ से वापस नहीं आया था मुड़ के, ये डिफरेंस जो है दिस इज द ड्रॉडाउन. और मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब क्या है, ये डिफरेंस कहाँ मैक्सिमम हो रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हाईएस्ट पीक है इक्विटी की, ठीक है, और उसके बाद लॉस होने शुरू हुए स्ट्रेटजी में. ठीक है, लॉस यहाँ तक गए. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ड्रॉडाउन है, और ये ड्रॉडाउन जो है वो यहाँ दिख रहा है. दिस इज द मैक्स ड्रॉडाउन. ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो ये वैल्यू नहीं पकड़ रहा है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ जो है 20,000 का लॉस हो रहा है. ठीक है, बट वो नहीं पकड़ रहा, वो काफ़ी बड़ा नंबर ले रहा है, वो यहाँ से दिख रहा है, वो ये सबसे बड़ी पीक आ रही है. ठीक है, वो क्या दिखा रही है आपको, वो इस पीक यहाँ वैल्यू से यहाँ तक का जो है लॉस दिखा रही है. ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपका जो है ड्रॉडाउन जो है वो हाईएस्ट वैल्यू से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करेगा. यहाँ मैं देखूँ तो वो इससे कंपेयर करेगा कितना ड्रॉडाउन हुआ है. सो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पर 160 का है, एंड परसेंटेज भी दिखा रहा है वो आपका. इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा द ग्रेटेस्ट लॉस ड्रॉडाउन, दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लॉस द स्ट्रेटजी हैज़ कम्पेयर टू इट्स हाइएस्ट प्रॉफिट. ठीक है, तो हाइएस्ट प्रॉफिट के कंपेरिजन में कितना लॉस किया है स्ट्रेटजी ने. देन टॉकिंग अबाउट एवरेज ट्रेड, दिस इज द सम ऑफ मनी गेन्ड और लॉस्ट बाय द एवरेज ट्रेड, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल नंबर ऑफ क्लोज ट्रेड्स. ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका जो है दिस डिवाइडेड बाय दिस आपको जो है एवरेज ट्रेड दे देगा. सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और ड्रॉडाउन कितना हो रहा है.
ठीक है, ये रिस्क कैपिटाइट आपको बताएगा कि कितना आप रिस्क झेल सकते हैं, और ये ओवरऑल आपको बताएगा स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल रही है। लास्ट इज एवरेज पार इन ट्रेड, ये आपको दिखाता है कि हमारा ओपन पोजीशन से लेके क्लोज पोजीशन के बीच में एवरेज नंबर ऑफ बार्स कितनी रही हैं, तो वो 15 रही हैं लगभग। अगर ये काउंट बढ़ता जाएगा दैट मीन्स क्लोज के बाद, ओपन के बाद क्लोज जो है दूर हो रहा है, नंबर ऑफ बार ज़्यादा है, तो कितनी देर तक हम स्ट्रेटजी में ओपन रहते हैं, कितनी बार्स तक, वो बता रहा है आपको। ठीक है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम और लोएस्ट, दिस इज द एवरेज वैल्यू। देन टॉकिंग अबाउट लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, परफॉर्मेंस समरी से पहले लिस्ट ऑफ ट्रेड जाते हैं। तो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में हमारा जो है, हमारे सारे ट्रेड्स दिखाता है ये आपका जो है, ये ट्रेड्स जो है वो ऊपर भी आते हैं चार्ट में, तो चार्ट में ये ट्रेड्स दिख रहे हैं और साथ में जो है स्ट्रेटजी टेस्टर में दिख रहे हैं। तो आप किसी भी ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं, लेट से मैं ये चीज सेलेक्ट करता हूँ, तो वो वहाँ चार्ट में चला जाएगा कौन सा ट्रेड पकड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये एंटर शॉर्ट वाला ट्रेड जो है वो यहाँ उसने दिखा दिया, यहाँ लेके आ गया वो। और यहाँ अब हम बात करें तो क्या क्या दिख रहा है हमको, लेट मी जूम इट फॉर यू। ये ट्रेड नंबर है, हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 की बात करें तो हमारा जो है वो हमें बता देगा कौन से फेज में जो है हमारा टेस्ट हुआ है। तो ट्रेड नंबर जो है उसमें अगर हम नीचे जाएं तो सबसे पहला जो है ट्रेड नंबर वो दिखाता है आपको कि आपका स्ट्रेटजी जो है कब से बैक टेस्ट करी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट हुई है ऊपर, और सारे ही सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं। एक ट्रेड में क्या दिख रहा है आपको, आपने एंटर शॉर्ट किया, एंटर ओपन करी पोजीशन, ठीक है, सिग्नल इज एंटर शॉर्ट का, किस टाइम पे हुआ वो, क्या प्राइस पकड़ा उस टाइम पे, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, फिर बेसिकली जो है जब एग्जिट करेगा तो वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसमें, वैल्यू में भी और परसेंटेज में भी। सिमिलरली क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो नीचे चलता आया वो एड अप होके दिखाएगा आपको क्यूमुलेटिवली प्रॉफिट चल रहा है लॉस चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है, और परसेंटेज में दिखा रहा है वो चीज़। देन ड्रॉडाउन, ठीक है, इस टाइम पे जो ड्रॉडाउन क्या चल रहा है, इस बार पे इस ट्रेड पे कितना ड्रॉडाउन चल रहा है वो दिखा रहा है। सो ये सब चीज़ें जो है आपको दिखाएगा ये। देन प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन से चार्ट पे लगा हुआ है, निफ्टी चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 है, कैंडल टाइप कैंडल है, करेंसी INR है, टिक साइज दे रहा है आपको, इनपुट स्ट्रेटजी के दिखा रहा है यहाँ पर, और प्रॉपर्टीज़ में दिखा रहा है कि क्या क्या आपने सेटिंग कर रखी है। देन लास्ट में बात करते हैं परफॉर्मेंस समरी की, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ध्यान में नहीं रखनी होती, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट दैट इज़ द ओवरऑल नेट गेन जो आपने किया होगा उस स्ट्रेटजी में, लॉन्ग साइड में भी दिखाएगा और शॉर्ट साइड में दिखाएगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और किस में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे मेरे को दिख रहा है कि लॉन्ग अच्छा दे रही है, शॉर्ट अच्छा नहीं दे रही, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट बैक टेस्ट करूँ जिसमें सिर्फ मैं लॉन्ग का ही ट्रेड लूँ। और नीचे जो है वो ओवरऑल परसेंटेज में दिखाएगा आपको, दिस इज द सेम एज ओवरव्यू वैल्यू। तो ये ओवरव्यू में जो नेट परसेंटेज दिख रहा है आपको, ये वैल्यू वही दिख रहा है यहाँ पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज द, जो आपके सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए हैं उसमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, तो सेम इज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। ग्रॉस लॉसेस सारे के सारे ट्रेड्स में आपका जो है, जो लॉस वाले रहे हैं उनमें ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, सो दिस माइनस दिस जो है आपका वैल्यू ये वाली आ जाएगी। देन मैक्स रनअप की बात करें तो वो जो है लार्जेस्ट प्रॉफिट जो कमाया होगा सारे ट्रेड्स में वो यहाँ पर दिखाएगा। मैक्स ड्रॉडाउन की हम बात पहले भी कर चुके हैं। देन बाय एंड होल्ड में अगर आप स्ट्रेटजी जो है बाय कर रहे हो और उसमें क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, आपका ओपन ट्रेड्स है रहते हैं, तो उस टाइम पे जो है ये बाय एंड होल्ड के रिटर्न दिखाता है। नेक्स्ट हम शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो के फॉर्मूला होता है जो कि आपको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि हायर शार्प रेशियो जो है दैट लीड्स टू स्मूदर इक्विटी कर्व। तो आपका जितना स्मूथ रहेगा इक्विटी कर्व, मतलब झटके नीचे की तरफ कम लगेंगे, उतना ही बेटर होगा। तो स्मूदर कर्व इक्विटी का जो है वो शार्प रेशियो बताता है, इतना ही समझ लीजिए। तो मेरा माइंडसेट जैसे रहता है कि अगर शार्प रेशियो मुझे 2 से बड़ा मिल गया दैट इज़ प्रिटी गुड फॉर मी, बहुत अच्छा है, स्ट्रेटजी काम कर रहा है। 1 to 2 इज़ डिसेंट इनफ, और 2 से 3 से बड़ा तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा स्ट्रेटजी मेरे लिए, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो 1 से 2 के बीच में भी स्ट्रेटजी सही परफॉर्मेंस दे रही है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट एंड रिस्क। देन शॉर्ट इन रेशियो मैं खुद नहीं देखता कभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्रॉफिट फैक्टर आपका जो बता ही चुका मैं पहले, दैट इज़ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
मैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड इज बेसिकली हमने ट्रेड में सारे ट्रेड्स में कितना मैक्सिमम जो है कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड किया है, क्योंकि हम फिक्स्ड पोजीशन साइज में कर रहे हैं। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 ही रही है, दिस वन। सो ये 1 ही दिखा रहा है। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप इक्विटी जो है जिसमें आप स्ट्रेटजीज लगाएंगे तो कैसे आप इक्विटी पे जो है रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। सो उस टाइम पे जो है ये बेस्ड ऑन योर कैपिटल रहेगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। देन ओपन पीएनएल इज बेसिकली जो लास्ट ओपन ट्रेड रहा होगा, अगर वो ओपन रहा होगा तो वैल्यू दिखा रहा है। से लास्ट ओपन ट्रेड प्रॉफिट चल रहा है, हम देख भी लेते हैं कि लास्ट ट्रेड एक्चुअली हो क्या रहा है। दिस इज द लास्ट ट्रेड जो ओपन है, क्योंकि लॉन्ग हुआ है यहाँ पर और वो प्रॉफिट चल रहा है तो क्लोज नहीं हुआ। सो अगर मतलब यहाँ लास्ट ट्रेड ओपन नहीं होगा तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा यहाँ पर। देन कमिंग टू कमीशन पेड, दैट इज़ कोई कमीशन पे नहीं करी क्योंकि हमने सेटिंग्स में रखा ही नहीं है कमीशन्स को। तो कमीशन्स को अगर मैं 0.01 कर दूँ परसेंट तो यहाँ पर फिगर चेंज हो जाएंगे। सो नाउ कमीशन पेड वो आपको दिखा रहा है, और मैंने दिखाया था आपको कैसे कमीशन डालने से आपका स्ट्रेटजी जो है उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी। देन नेक्स्ट इज टोटल क्लोज ट्रेड्स, कितने ट्रेड क्लोज किए हैं लॉन्ग साइड में भी और शॉर्ट साइड में भी, ओपन ट्रेड कितने बचे हुए हैं और लॉन्ग साइड में एक ट्रेड बचा हुआ है। उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स कितने हैं, परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन रही है, कितनी एक्यूरेसी है इसकी, एवरेज ट्रेड भी पहले पैरामीटर आ चुका हुआ है, एवरेज विनिंग ट्रेड्स जो है उसमें कितनी हो रही है विन, लूजिंग में कितना लूज हो रहा है हमारा, ठीक है, रेशियो ऑफ विन इज टू लूज दिखा रहा है यहाँ पर, लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड दिखा रहा है, लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड दिखा रहा है, एवरेज बाज इन ट्रेड पहले भी बात कर चुका हूँ मैं, एवरेज बाज इन विनिंग ट्रेड 22 है और लूजिंग में 10 है, ठीक है, और मार्जिन अगर हम ले रहे हैं तो वो कितना ले रहे हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर। सो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में।